हेलो वन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 11:30 बजे। और फ्रेंड्स, एक्चुअली आज मैं अपने एक फ्रेंड के साथ हमारे यहाँ आजमगढ़ में एक प्रदर्शनी लगी हुई है, तो वहाँ पे मैं घूमने जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोग को भी घुमा दूँ। तो फिलहाल अभी मैं हो चुका हूँ रेडी, और रेडी होने के बाद मैं बस वेट कर रहा हूँ। थोड़ा सा 5-10 मिनट बाद मैं निकल रहा हूँ। निकलने के बाद फिर मैं आप लोग को दिखाता हूँ क्या क्या हम करेंगे। वैसे फिलहाल मैं आपको भी रूटीन बता दूँ, तो पहले मैं जाऊँगा अपने फ्रेंड के रूम पे, उसको वहाँ से पिक करेंगे, और पिक करने के बाद उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे, और मे भी हो सकता है हम लोग कहीं और भी जाए। तो जहाँ भी जाते फ्रेंड्स, आगे आपको वीडियो में मिलते हैं। तो ये फ्रेंड्स, अभी मैं निकला था घर से, और घर से निकलने के बाद आज का वेदर काफ़ी अच्छा है और धूप भी निकली हुई है। हालांकि फिर भी मैंने एक हाफ जैकेट पहन रखा है क्योंकि धूप है, लेकिन फिर भी क्या पता ठंड लग रही हो, क्योंकि बाइक है फ्रेंड्स, राइड में हवा लगती है, तो जो भी है। और अभी फिलहाल मैं आपको सीन बता दूँ, तो अभी मुझे जाना है सिधारी। सिधारी पे मेरा फ्रेंड है, वहाँ पे उसका रूम है, वहाँ पे वो रहता है, तो वहाँ से उसको करेंगे पिक। और फिर पिक करने के बाद मे भी वो कहीं और भी जाने को बोल रहा था, तो जाएंगे, जैसा भी होगा देखा जाएगा। तो फिलहाल फ्रेंड्स अभी चलते हैं और फिर मिलते हैं आपको उसके रूम पे। कैसे मिल जाते ये गाने जाना मुझे पता नहीं, इंस्टा पे मैं ब्लॉग हूँ जिसकी मेरी दिखती नहीं, देख सकते हैं। इससे क्या होता है, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। गवर्नमेंट को थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए, और यहाँ के जो ऐसे रोड पे बह जाते हैं जो भी एनिमल रहते हैं, फ्रेंड्स उनके लिए वहाँ सिक्योर करना चाहिए, या फिर कोई अलग प्लेस उन लोग को बना दे, जो लोग जो गाँव यहाँ पे जैसे जो गाय माता है इधर उधर घूमते रहते हैं, जिनका कोई ओनर नहीं होता है, तो उनके लिए प्रॉपर एक जगह बना देनी चाहिए, जिससे वो लोग ऐसे रोड पे ना बैठे, क्योंकि रोड पे बैठने से फ्रेंड्स एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम आए थे सिधारी थाने पे, और फ्रेंड्स यहाँ थाने पे नहीं, मतलब थाने के पास आए थे, और यहाँ से मैं क्रॉस हो रहा हूँ। एक्चुअली फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो स्पीड अप भी नहीं ले सकते कि मैं आ गया था यहाँ पे सिधारी पे, और बस यहाँ से थोड़ी ही दूर पे है मेरे फ्रेंड का रूम, थोड़ी ही देर का फ्रेंड्स मात्र 50 मीटर है। तो बस ये जो ट्रैफिक थोड़ा सा है ये क्रॉस आउट कर जाए, उसके बाद फिर आगे ही मेरे रूम, तो आपसे मिलते हैं सीधे रूम पे। मैं भी पिछले वाले जो मैंने ब्लॉग डाला था उसमें आपको ये रूम याद होगा, क्योंकि मैं इसी टाइम पे यहाँ आया था, और फिर आज मैं यहीं आया हूँ, तो मैं भी आपको याद हूँ। महेश भाई के रूम पे, और अभी रूम बंद है, पता नहीं क्या कर रहा है, मैं भी देखते हैं क्या कर रहा है महेश। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आए थे, और आप लोग देख सकते हैं महेश भाई अपने गिटार की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और भाई क्या हालचाल, बढ़िया हो, बजा बजा लेते हो बस ऐसे ही, ये लाओ मैं ट्राई करूँ एक बार। सो फ्रेंड्स, अभी मैं ट्राई करने वाला गिटार, हालांकि मुझे बजाने तो आता नहीं है, फिर भी वंस ट्राई, देखते हैं कैसा होता है। मैं ट्राई करने वाला हूँ गिटार, और मे भी मेरी पोजीशनिंग सही है, देखते हैं कैसा बजता है। इसको हटा मैं से लिया, अभी फिलहाल हम लोग हो चुके हैं रेडी और निकल रहे हैं यहाँ से, और आप लोग देख सकते हैं कि मैं से अपने शूज पहने हैं, शूज पहनने के बाद फिर उसके बाद हम लोग निकलते हैं। तो हे वन, अभी हम लोग निकले थे, और फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं प्रदर्शनी लगी हुई टीवी में, और उसके बाद फिर आगे की सीन आपको बताते हैं। अभी हम पहुंचे थे नगर पालिका, और डीएवी कॉलेज यहीं पास में ही है, डीएवी कॉलेज की जो फील्ड है वहीं पे लगी हुई है। क्या कह रहे हो, क्या किस चीज़ का विकास, अच्छा कहाँ पे? तो फ्रेंड्स अभी सीन ये है कि हम लोग जा रहे हैं, एंड मे बी खुला हो, क्योंकि आई होप कि मॉर्निंग में
पिछली बार जब मैं ऐसे यहाँ से क्रॉस हो रहा था तो मैंने देखा था कि मॉर्निंग में ही वो लगा हुआ था, इवनिंग का पता नहीं, और इवनिंग में अगर होगा भी तो फिर इवनिंग में फ्री नहीं रह पाते हैं, तो यही टाइम होता है हम लोग के पास जिसमें हम लोग कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, तो इसलिए हम आए हैं मॉर्निंग में ही और देखते हैं कि क्या ओपन है कि नहीं है। अगर ओपन रहा तो टोटली लक अच्छा है, और अगर नहीं रहा तो फिर बैड लक फ्रेंड्स। खत्म हो गया भाई, क्या देख रहे हो फ्रेंड्स, ये तो पूरा मार्केट ही खाली हो चुका है, पूरी फील्ड खाली हो चुकी, खत्म हो गया, क्या मेला, बस पूरा करके पड़ा है सर। अब महेश भाई अपने साथ तो स्कैम हो गया, बताओ आए थे यहाँ, ये तो स्कैम हो गया अपने साथ भी, बहुत बड़ा वाला फ्रेंड। अभी हम लोग फंस चुके हैं ट्रैफिक में और अपनी बाइक बंद भी हो चुकी है, बट टीवीएस कंपनी ने कितना अच्छा इसमें अपडेट दिया है कि आप बस थोड़ा सा एक्सीलेटर लेंगे और बाइक स्टार्ट हो जाती है। भी कोई जा रहा है आगे, क्योंकि पुलिस की वैन गई, फिर अभी यहाँ भी जा रही है, फिर ये भी, तो मे भी कुछ तो है। जितना देर में हम लोग रूम से निकल के पूरा रास्ता कवर किए थे उतना देर से तो यहीं पे लग गए हम लोग को सिर्फ ट्रैफिक से निकलने में। हाइट में कोई तो प्रॉब्लम जरूर आते, हवा बहुत कम होगी, देखो तो एक बार यार, एक बार ही देख लो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अगर हवा सही है तो। फाइनली हम लोग यहाँ आए हैं और यहाँ एक शिल्प मेला लगा हुआ है और चलते हैं अंदर। एक्चुअली फ्रेंड्स ये जो प्रदर्शनी है ये सिर्फ जो है कि जो हैंडमेड क्राफ्ट्स हैं उन सारी चीज़ों की है, और यहाँ पे आपको तरीके तरीके की हर एक नए तरह की चीज़ें देखने को मिल जाएगी जो कि हैंडमेड है, तो हाथों से बनाई गई। देखो एक बार, पंचर तो नहीं है यहाँ, तो सही है उसमें, तो सही है, ये भी सही है, फिर ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, हवा कम है ना आगे वाले में, बहुत कम है, देखो ये देखो कम लग रहा है, बहुत कम है। सहेवन अभी हम लोग आए थे ITI मैदान में और यहाँ पे एक जो है कि खादी ग्रामोद्योग की प्रदर्शनी लगी हुई है, बट फ्रेंड्स यहाँ कुछ भी हमारे काम का नहीं है, सब कुछ लेडीज़ चीज़ें हैं, और उससे भी बड़ी चीज़ है कि अभी कुछ भी ओपन नहीं हुआ है, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है सिर्फ 12 बज रहे हैं, तो सुबह के 12 बजे कुछ भी ओपन नहीं हुआ है, और मे बी ये शाम को ही लगेगा, तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और बाकी एक बार मैं आपको इसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ये कुछ अपने काम का है बस, पिज्जा हट और ये भेलपुरी, बाकी सब तो आप देख रहे पूरा ऑनली लेडीज, और सिर्फ यहाँ पे ठंड की चीज़ें, मतलब कूलन ज़्यादा मिल रहा है, कपड़े ज़्यादा हैं और किचन सेट है, किचन का सामान है, और बाकी यहाँ से पूरा फ्रेंड्स काफ़ी बड़ा लगा हुआ है। तो हेवन अभी हम लोग निकले थे यहाँ से और यहाँ पे कह सकते हैं कि हम लोग के लायक कुछ भी नहीं था, तो इसलिए हम लोग यहाँ से निकल गए, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और हम लोग चलेंगे कुछ दूसरी जगह जहाँ कुछ अपने लायक चीज़ें हों। नाउ वी फाइनली डिसाइडेड दैट हम लोग जाएंगे शीशा ढाबा। फ्रेंड्स आप जब शीशा ढाबा आपको जाना होता है तो आप आजमगढ़ में जब आप सुधारी से जो मऊ रास्ता जाता है उस वाले रोड पर आएंगे तो आपको आगे मिलेगा शीशा ढाबा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट एंड फेमस है यहाँ आजमगढ़ में, और ये 12 बजे के बाद ओपन होता है, यानी कि दिन में 12 बजे के बाद ओपन होता है और पूरे ये रात में पूरी रात ओपन रहता है। तो अभी फिलहाल हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 12:30 टाइम भी हो चुका है तो हम लोग चल रहे हैं वहीं पे। अभी मैं थोड़ा स्पीड अप ले रहा हूँ एंड मे भी मैं 100 टच करूँ, देखते हैं।
काफी अच्छा स्पीडअप किया ना भाई। बार 100 टच करते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग जिस एरिया में आए हैं इसका नाम क्या है, मैं इसका नाम सागर तो अभी आगे है ना, इसका नाम कुछ जमुरी है। हाँ फ्रेंड्स, इस एरिया का नाम है जमुरी और यहाँ पे सीसा ढाबा है, जस्ट उसके फ्रंट में एक वेलकम ढाबा है और इसी के थोड़ा सा ही आगे मुश्किल से 100 मीटर आगे ही एक और है जिसका नाम है माई सेकेंड वाइफ। लेकिन फ्रेंड्स, इन सब में वन ऑफ द बेस्ट राजमगढ़ का फेमस सीसा ढाबा ही है। हमने ये डिसाइड किया है कि हम लोग सीसा में ही चलेंगे। अभी सीन ये है कि हम आए थे सीसा ढाबा, आप लोग को अगर दिख रहा होगा तो हालांकि मुझे पता नहीं, बट आपको दिख रहा होगा तो आप देख सकते हैं कि है सीसा ढाबा और अभी हम यहीं पे आए थे। सो हे वन, अभी हम लोग आए थे सीसा ढाबा और मे बी यहाँ पे अभी साफ सफाई का काम चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ये 12 बजे ओपन ही होता है और 12 बजे के बाद अभी 1 बजने वाले हैं, तो मे बी ओपन होने के बाद ये लोग साफ सफाई कर रहे हैं। बट आपको सुविधाएं मिल जाएगी 12 बजे के बाद, आप जब भी आते हैं तो आपको हर एक चीज़ें अवेलेबल करा दी जाती है। तो अभी फ्रेंड्स फिलहाल चलते हैं और अंदर देखते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अभी हम लोगों ने ऑर्डर किया है अपना डिश और फिलहाल जब तक डिश प्रिपेयर हो जाती है तब तक हम लोगों ने मंगा लिया है अपनी चाय। आप लोग देख सकते हैं चाय इतनी टेस्टी फ्रेंड्स की मन कर रहा है 2-3 पी जाऊँ। तो हेलो वन, अभी हम लोग कर चुके हैं नाश्ता कंप्लीट और निकल रहे हैं यहाँ से। और निकलने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ दिखा दूँ, तो यहाँ पे फ़ोटो शूट के लिए एक बहुत ही पुराने टाइम का जो है कि स्कूटर रखा हुआ है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही पुराना स्कूटर है जो कि येलो कलर में पेंट करके इन लोगों ने रखा है, देख सकते हैं बहुत ही पुराना है। और पहले में ये बजाज के स्कूटर से चला करते थे, बट अभी यहाँ पर ये एज अ सेल्फी पॉइंट बना दिया गया है और यहाँ पे जो है स्कूटर रखा गया है। तो अभी फिलहाल थोड़ा हम लोग रील वगैरह बनाएंगे, फोटोशूट क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं। सो हे वन, अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, हम लोगों ने रील्स वगैरह शूट कर लिया है और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और टाइम हो चुका है 2:20 यानी कि 2:30 बजने वाले हैं और हम लोग सुबह 11:30 बजे का निकले भी हैं। अभी फिलहाल हम लोग जाएंगे महेश के रूम पे और उसके रूम पर उसको छोड़ने के बाद फिर मैं निकलूँगा घर के लिए, क्योंकि शाम के क्लासेस का टाइम भी हो रहा है। हेलो वन, अभी हम लोग पहुँचे थे महेश भाई के रूम पे और यहाँ पे मैं थोड़ा देर रुकूंगा क्योंकि थोड़ा सा फोटोज वगैरह सेंड कर दें महेश को और उसके बाद फिर यहाँ से मैं निकलता हूँ, तो मिलता हूँ आपसे। अभी हम फाइनली निकले थे महेश के घर से और टाइम हो चुके हैं शाम के 4 और अभी मैं थोड़ा लेट भी हो रहा हूँ क्योंकि क्लासेस स्टार्ट होंगे 4:30 बजे, तो आधे घंटे में मुझे घर भी पहुँचना है और फिर वापस मुझे कोचिंग के भी आना है। तो अभी कहीं भी ना रुकते हुए सीधा क्योंकि लेट ज़्यादा हो जाएगा। बस आई होप कि ट्रैफिक ना मिले, अगर ट्रैफिक मिला तो हम लोग लेट हो जाएंगे। तो फाइनली अभी हम लोग आ चुके थे ट्रैफिक से बाहर और बस उम्मीद है कि आगे कहीं को ट्रैफिक ना मिले, अगर ट्रैफिक रहा फ्रेंड्स तो मैं लेट हो जाऊंगा और मेरी क्लासेस भी छूट जाएंगी और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी कोई भी क्लासेस मिस हो जाए, इसलिए अभी मैं सीधे चल रहा हूँ घर और बस ट्रैफिक ना हो। इस चैनल पे जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो होगी हमारे TVS रेडर के मॉडिफिकेशंस की। मैं अपने TVS रेडर जो बाइक है इस पर मैं अपने चैनल का नाम लिखवाने की सोच रहा हूँ और मैं आगे इसमें और भी कुछ मॉडिफिकेशन कराने की सोच रहा हूँ। तो फ्रेंड्स लेट मी नो डाउन इन कमेंट सेक्शन कि आप लोग क्या क्या मॉडिफिकेशन चाहते हैं, आप लोग जो भी बोलोगे मैं वो मॉडिफिकेशन कराऊंगा। और मुझे कोई आइडिया नहीं है अभी कि मॉडिफिकेशन क्या क्या कराना है, तो आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में ये बताने की कोशिश करिए या फिर जो आप चाहते हैं कि मैं TVS रेडर में ये मॉडिफिकेशन करा दूँ, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए और मुझे बताइए कि मैं क्या मॉडिफिकेशन करा दूँ। बाकी अगर आपके पास
किसी के पास भी कोई आइडिया है कि चैनल का नेम मुझे कहाँ लिखवाना चाहिए, वैसे फिलहाल मैं तो सोच रहा था कि यहाँ जो इसका मीटर कंसोल है इसी पे लिखवाएंगे, बट अगर किसी और के पास कोई और भी अच्छा आइडिया हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। टाइम हो चुके हैं 4:10 और मैं अभी भी घर नहीं पहुँचा हूँ, और मैक्सिमम मुझे यहाँ से पहुँचने में 5-10 मिनट और लगेगा। तो घर जाने के बाद फिर मुझे वापस रिटर्न भी जाना है अपनी कोचिंग पे, तो आई होप कि मैं टाइम से पहुँच जाऊँगा। क्योंकि फ्रेंड्स घर जाने के बाद भी मेरे पास नियर अबाउट 15 मिनट्स रहेंगे तो मैं वापस आ सकता हूँ। और बस कोल्ड है क्योंकि फ्रेंड्स जैसे भी मैं घर से अगर निकल जाऊंगा 4:30 बजे के पास तो फिर मैं रात में ही 8:30 बजे घर पहुंचूंगा, क्योंकि उसके बाद मेरी कंटिन्यू क्लासेस रहती हैं तो उसके बाद ही मैं घर पहुंचता हूं। इसलिए फिर ठंड है तो थोड़ा स्वेटर वगैरह पहन के ही निकलते हैं, और बाकी मसला ले लेते हैं इस टाइम और घर पहुँचने वाले फ्रेंड्स। सो हेलो वन, अभी हम लोग आ चुके हैं घर फाइनली, और अभी टाइम हो रहे हैं 4:15, मैं घर भी आ चुका हूँ और टाइम से घर भी आ चुका हूँ। बस 15 मिनट्स है, मैं वापस कोचिंग भी जाना है मुझे, तो फिलहाल मैं आज का ब्लॉग एंड कर रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आएगा, ब्लॉग पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और जितना पॉसिबल उसको उतना आप लोग शेयर करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।